हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाएं 3 और 2 के अनुपात में है और उनका परिमाप 65 सेंटीमीटर है। इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई क्या होगी? 3 अक्ष और 2 अक्ष। 3 अक्ष और 2 अक्ष तो परिमाप हो जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई 3 अक्ष प्लस चौड़ाई 2 अक्ष बराबर 65 सेंटीमीटर। बराबर 65 ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 दूनी 10 अक्ष बराबर 65, अक्ष बराबर 6.5, अक्ष बराबर 6.5। तो छोटी भुजाएं हो जाएगी, छोटी भुजा की कितनी है? 2 2 × 6.5 बराबर 13 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8954, 9806 और 12000 और 11297 को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो 9806 में से 9806 में से पहले 8954, 8954 घटाने पर आएगा 852 और 11297 में से 9806 माइनस करने पर आएगा 1491। 11297 में से 8954 माइनस करने पर 2343। तो इनका अपन को इनका मैथ्स पे निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 852, 852 का आ जाएगा, 852 का आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 71, 1491 का आ जाएगा 3 × 7 × 71, 3 × 7 × 71 2343 का आ जाएगा 2343, 3 × 11 × 71। तो एच सी एफ बराबर 3 × 71 बराबर 243। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि ए बी सी बराबर 6, ए बी सी बराबर 6, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर माइनस का 2। तो पूछा है अपन को मान, पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान पूछा। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अपन को मान निकालना है पहले, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस सी प्लस ए। तो इसका मान दे रखा है अपने, इसका हो जाएगा 36 का मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 की जगह हो जाएगा इधर माइनस 2, तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस 4, 36 36 और माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हो जाएगा 40 40। तो ए प्लस इसका मान निकालना, तो इसका मान हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी का मान अपन को दे रखा है 6 कोष्टक 40 माइनस माइनस 2, तो हो जाएगा 6 × 45 बराबर 252।
आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन, राजीव का वेतन में पहले 40% की कमी की गई। 40 कमी कर 10 से मतलब कितना, 6, फिर 50 की वृद्धि, 10 से कितना, 15, 10 × 10 तो 15 × 6 = 90, -10% की कमी। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और लाभ 5% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ कितना है, 5%, तो 4500 बटा 2 × 5% निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0, 45 × 5, 225 का लाभ। तो 4500 + 225, 4525 रुपये। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन, यदि यदि दो दो की घात 3a - 5 बराबर 40 छियानवे, 40 96 होता है 2 की घात 12, 2 की घात 12 बराबर होता है 40 96, तो 2 की घात 3a - 5 बराबर 2 की घात 12, तो बेस समान है तो घाते बराबर होगी, 3k - 5 बराबर 12, 3k = 17, a = 17/3। आगे देखिए स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। a a + b + c बराबर कितने घंटे में, 4 घंटे में। a पाइप c पाइप b से 2 गुना तेजी है, पाइप b से कितना है, 2 गुना तेज, मतलब b 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2। पाइप a से 2 गुना तेज है, पाइप b a से कितना गुना तेज है, 2, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, 1:2:4। तार की स्पीड तो 4 4 2 6 7, 7 की स्पीड से 4 घंटे में पूरी टंकी भरती है, 7 × 28 की पूरी टंकी हो गई। तो पाइप ए द्वारा एक की स्पीड कितनी है, 1 की, तो 28/1 28 घंटा। आगे देखिए स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, किसी कार का ओडोमीटर यात्रा शुरुआत करने से में 12,000 किमी की यात्रा, 12,000 किमी की यात्रा यात्रा शुरू करने में, और यात्रा के अंत में कितना था, 12,800, कितना चला, 800, कितने घंटे लगे, 4 घंटे, तो कितना, 200, 200, 200 उसका हो गया 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से, तो ये हो जाएगा 2 से 9 बार, ये 2 से 100 बार, तो हो जाएगा 500/9 m/s। आगे देखिए नौवा क्वेश्चन, यदि अक्ष प्लस 1/अक्ष बराबर 4, अक्ष प्लस 1/अक्ष बराबर 4, अक्ष स्क्वायर प्लस 1/अक्ष स्क्वायर का मान क्या होगा, तो यह हो जाएगा a + b² से, a + b² a² + b² a² + b² + 2 a² + b² - 2ab, a² + b² - a + b², a² + b² - 2ab, 2ab, तो जाएगा कमा निकालना है अपन को, यह है अक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 2, तो 2ab का मान अक्ष 2 1/x, तो अक्ष 6 चला जाएगा प्लस है इधर, इसका मान है अपन को 4 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस 1/x² = 16 में से 2 चला गया, तो 14। आगे देखिए दसवां क्वेश्चन,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा 3, 4, 5 और 6, इससे जाएगा 2 से 3, 2, 5, 3, फिर चला जाएगा 3 से 1, 2, 5, 1, 3 × 6 × 10 बराबर एलसीएम आ गया 60। 2488, 2488 के अंदर 60 का भाग देंगे 4 बार, 6 × 4 = 24, 240 कितना बच गया 8, ऊपर से 8 आ गया, फिर एक बार तो 60 28, 60 − 28 बराबर 2 और चला जाएगा 32, 32 ऐड करना पड़ेगा इसमें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।